अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप घरों में ठीक होंगे। तो आइए आज हम इस्लामियत का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हज़रत दाता गंज बख्श अली गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तलीमात क्या हैं? तो आइए अपनी बुक का पेज नंबर 79 ओपन करें और इसमें आपको आंसर मिलता है इसका। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान व हदीस और फ़िका के आलम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की मादरी ज़बान फ़ारसी थी, ताहम आपको अरबी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात की वजह से माशरे में दीन की जड़ें कमज़ोर हो रही थी। आपने इंसानियत की बेहतरी और दीन से आगाही के लिए बहुत सी किताबें तहरीर की जिनका मौजू तसव्वुफ था, और उनमें सबसे मशहूर किताब कशफुल महजूब है। ये उनकी मशहूर किताब का नाम है कशफुल महजूब। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को हसूल इल्म की हमेशा तरगीब दी और गाफल उलमा और जाहिल सूफिया की सोहबत से बचने की ताकीद की। आप फरमाते थे कि फ़कीर को सब्र और गनी को शुक्र का रवैया अपनाना चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की तलीमात के मुताबिक हकीकी सूफ़ी वो है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करने वाला हो, अखलाक के हसना पर अमल पैरा हो, बदी कीना हसद झूठ मकरोफरेब और लालच से परहेज़ करने वाला हो। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।